सिंबल बने हुए हैं, ठीक है, जो डिफरेंट रिलीजियस पैटर्न्स को शो करते हैं, क्योंकि इस एरिया में डिफरेंट लोगों ने रूल किया। आपको ये सारे सिंबल दिखाते हैं। ये इसके साथ ही किचन है, ये इनका टेम्परेरी किचन था, परमानेंट किचन जो है वो आगे की तरफ है। यहाँ डिफरेंट किस्म के पॉट्स पड़े हैं, वो कुकिंग हर्थ है, ठीक है, और यहाँ डिफरेंट किस्म की ज्वेलरी है जो उस वक्त के लोग यूज़ करते हैं, स्टोन्स को और डिफरेंट मेटल को कार्व करके बनाई गई है। राइट साइड पे ये मेरे, आप वहाँ से राइट साइड पे आप टर्न लेते हैं तो मेरी साइड मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये एक डोर है, ये गार्डन की तरफ जाता है, यानी कि यहाँ से किंग अपने रूम्स से जो है जब तंग आ जाता होगा तो नीचे गार्डन में जाता होगा। लेट मी शो यू। और इनका पुराना खेल पोलो, डिफरेंट सिंबल बने हुए हैं, ठीक है, जो डिफरेंट रिलीजियस पैटर्न्स को शो करते हैं, क्योंकि इस एरिया में डिफरेंट लोगों ने रूल किया। आपको ये सारे सिंबल दिखाते हैं। फोर्ट में एंटर हो रहे हैं कि अंदर के एरियाज में, फोर्ट में आ चुके हैं। स्टेयर्स हैं ऊपर की तरफ, ये विंडोज हैं। बेसिकली ये विंडोज बनाई गई थी प्रोटेक्शन के पर्पज से, यहाँ से गार्ड्स जो हैं मॉनिटरिंग करते हैं हमले के लिए, जब हमला हो जाए तो वो यहाँ से देखते हैं और अपने तीन कमान सेट करके रखते हैं यहाँ पे। लेट मी शो यू दिस। सबसे पहला सिंबल बुद्ध मत का है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ बुद्ध मत थे, उसके बाद राजा अशोक ने रूल किया इस एरिया को, और ये जो पैटर्न है ये शो करता है कि इंसान मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होगा, क्योंकि उनके रिलीजन के मुताबिक इंसान जो है मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होता है। फिर मुसलमान आ गए यहाँ पे, तो ये अमन और मोहब्बत को शो करता है पैटर्न। इसमें फ्लावर है, ठीक है, बर्ड्स हैं, उसके अलावा यहाँ डिफरेंट किस्म के रिलीजियस पैटर्न्स हैं। साथ वो रूम है जहाँ पर किंग अपना दरबार लगाता था, ये सेंट्रल पोजीशन पे वो अपना दरबार लगाता था। हम दिखाते हैं, ये आपको ये विंडो नज़र आ रही होगी, यहाँ वो अपना दरबार लगाता था और यहाँ से पूरे फोर्ट का व्यू भी नज़र आता है। ओके, और यहाँ पर इनके कुछ बर्तन, ये पानी का मर्तबान है, और ये जो है खाना पकाने के लिए, ये पत्थरों से बनाया गया है, पत्थरों को तराश के उसके अंदर से खाली करके, और ये जो दीवार है ये उस ज़माने का प्लास्टर है जिसमें घास भूसा शहद दालें वगैरह मिक्स करके ये प्लास्टर करते थे। बिल्कुल साथ ये अलमारी है, अलमारी के अंदर वो आप एक हुक सी देख रहे होंगे, वो बेसिकली इनका लॉक है। उस लॉक के अंदर एक पैटर्न लगता था, अभी तो ये टूट गया हुआ, लेकिन उस दौर में इसके अंदर एक पैटर्न लगता था, जो कि पैटर्न सिर्फ किंग को पता होता था और नॉर्मली किसी को समझ नहीं आती थी कि इस पैटर्न को कैसे ओपन करना है, लेकिन वही सिर्फ इसको ओपन कर सकते थे और इसमें वो अपनी कीमती चीज़ें रख के इसको लॉक कर देते थे। मैं दिखाता हूँ, अभी तो ये ख़राब हो चुका है। ये सारा वुडन वर्क जो है वो अखरोट के दरख्त से बना हुआ है। इसके साथ इनके ज्वेलरी बॉक्स हैं, ये इनके ज्वेलरी बॉक्स हैं, और इनका पुराना खेल पोलो, ये एक डोर है जो बंद कर दिया गया है क्योंकि ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो टूटने के ख़तरे की वजह से बंद कर दिया गया।
इसके साथ ही किचन के बिल्कुल साथ कॉरिडोर है जिसमें इनके इनकी बलती लैंग्वेज के अंदर कुछ नुस्खे लिखे हुए हैं, वो दिखाते हैं आपको। बलती लैंग्वेज दुनिया की सबसे पुरानी जुबानों में से एक जुबान है जो तकरीबन 4 से 5 हज़ार साल पुरानी है। इस जगह मैं खड़ा हूँ, ये इनकी मॉस्क है और उसी वक़्त से मॉस्क है जिस वक़्त से यहाँ इस्लाम आया था। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। अभी भी यहाँ जो विज़िटर्स आते हैं, जो मुस्लिम विज़िटर्स आते हैं, वो यहीं पे नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ से गार्डन का व्यू भी आता है। ये गेट है जहाँ बादशाह ताक लगाता था, वहाँ से भाई आप आते हैं तो यहाँ डिफरेंट रूम्स हैं जिनको सेरिना ने होटल में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन उससे पहले ये किंग जो है वो अपने मल्टीपर्पज़ यूज़ करते थे। इसके साथ मॉस्क है, एक ये सैंपल रूम है सेरिना का, और वो सामने किचन है। सबसे पहले आपको किचन दिखाते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ इनके किचन में। इसमें से कुछ तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा राजा के ज़माने में था, और बाकी आगा खान ने रिस्टोरेशन किया। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये रिस्टोरेशन वर्क है, ये ओल्ड वुड्स हैं, और ये भी रिस्टोरेशन है। ये जो चेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको पॉट नज़र आ रहे होंगे, इनके पकाने के पॉट नज़र आ रहे होंगे, ये उन्हीं के ज़माने के हैं। ये रोशनी के लिए यूज़ करते थे, बहुत वज़नी है, रोशनी के लिए यूज़ करते थे, इसमें ऑयल वगैरह डाल के, और साइडों पे वूल से लिटिंग करते थे। ये भी पॉट्स हैं इनके, ये सारे पत्थर के बनाए गए हैं, ठीक है। ये लोग लकड़ी के साथ कोई गोश्त की चीज़ हैंग करते थे और नीचे से आग चला के उसको पकाते थे। ये भी इनके डिफरेंट कंटेनर्स हैं खाना खाने के, ये पानी के पॉट्स हैं, और ये जो है वो इनका ट्रेडिशनल फूड अजूक। ये अजूक को आटा गूंदने के लिए, आटा और डिफरेंट उसमें दालें पल्सेस वगैरह डाल के अजूक बनाते हैं उसको फ्राई करके, ये उसका पॉट है।